हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रीमा है और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पटेटो। तो आइए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सिंपली आलूओं को कट करके उनको वॉश कर लेंगे और उनका पानी सुखा लेंगे किसी कपड़े से। तो चिली पटेटो सबके फेवरेट होते हैं और उन्हें बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल वे में चिली पटेटो बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाते हैं। तो इनका पानी हम सुखा लेंगे किसी कपड़े के अंदर। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर। थोड़ा सा नमक डालेंगे बस इसके अंदर। अब रिफाइंड के अंदर इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह सभी को फ्राई कर लेंगे। अब हम दोबारा तेल डालेंगे कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल डालेंगे, प्याज और शिमला मिर्च, और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे इसके अंदर फ्राई करने में। अब मैंने यहाँ पे पनीर चिली का पैकेट लिया है, इससे और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी को ही डालेंगे चिली पटेटो के अंदर और कुछ ऐड नहीं करेंगे। और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम पानी में मिक्स करके वेजिटेबल के अंदर डाल देंगे। अब आलू को डाल देंगे, हमने फ्राई करे हुए आलू को डालेंगे। अब थोड़ी देर इन्हें हम मिक्स करेंगे 1-2 मिनट तक, और हमारे चिली पटेटो बनके तैयार है। बहुत इजी तरीके से बताया मैंने, बहुत इजी है, आप ट्राई करके देखना, घर में झटपट बन जाएंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। अब ऊपर से भी हम तिल ऐड करेंगे इसके अंदर। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।